चटपटा सिंघाड़ा फ्राई, जो देखने में तो टेस्टी लग ही रहा है, साथ में बनने में भी बहुत ही आसानी है। सिर्फ 2 मिनट लगाइए और फटाफट से इसे बना लीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंघाड़ा फ्राई। सिंघाड़ा फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ सिंघाड़ा ले लिया हुआ है। इसे मैंने कुकर में रख दिया था बॉयल करने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 सीटी लगा दिया था, जो कि बॉयल होकर तैयार हो गया। जब ये बॉयल हो गया तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इसे कट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। या आप इसे अच्छे से छील लीजिए चाकू की हेल्प से या फिर हाथों की सहायता से। तो ये छिल गई है और इसे आप बारीक काट सकते हैं आराम से। छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे कट कर लेती हूँ। 1 में से 4 या 5 पीस या जितना बड़ा रहे उस हिसाब से कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं बाकी के सिंघाड़े को भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी सिंघाड़ों को कट करके अच्छे से इसे वॉश कर लिया है, क्योंकि सिंघाड़ों की वजह से ये काले काले हो गए थे तो इसे वॉश करना पड़ा। तो अब चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर एक पैन रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, जिसमें ये 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दे रही हूँ। देसी घी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ, लगभग 1/4 टीस्पून के करीब। ये 1 छोटी सी हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। यहाँ पर ये कटे हुए सिंघाड़े, अब साथ ही में मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर लगभग 1/2 टीस्पून, क्रश्ड काली मिर्च और ये रेड चिली फ्लेक्स, ये डाल के अच्छे से इसे चला देना है। क्योंकि ये सिंघाड़ा बॉयल किया हुआ है इसलिए इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस मसालों को मिक्स करने तक ही इसे पकाना है। अगर आप कच्चा सिंघाड़े का यूज़ कर रहे हैं तो उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगी, लगभग 10 से 15 मिनट में वो पक के तैयार हो जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग जब सिंघाड़े पक जाए तब उसमें मसाले ऐड कीजिए। तो बस मुझे इसे 1 मिनट तक और कुक करना है। अब मैं इसमें ये थोड़े से फ्रेश धनिया की पत्ती ये डाल दे रही हूँ। अगर आप इस सिंघाड़े को व्रत में बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक यूज़ करें नमक की जगह। तो बस 2 मिनट में सिंघाड़ा फ्राई बनके तैयार हो गया है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सिंघाड़ा फ्राई बनकर तैयार है। बस 2 मिनट लगाइए और सिंघाड़ा फ्राई तैयार। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।